welcome back to my channel. Good morning to everyone. And today हम लोग जो करने वाले हैं अभी तो मतलब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं तो ये काफ़ी डिप्रेसिंग है हमारे लिए. सो वी हैव रीच्ड ओके. सो हम लोग अभी इधर ब्रेकफास्ट करेंगे. कर लिया है अभी वो पे कर रहा है मतलब रिसेप्शन में जो भी हम लोगों ने खाना पीना जो भी खाया है उसका बिल. कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस अगर लगा है तो वो तो ये मुझे बाद में पता चलेगा कि क्या है. तो अदरवाइज़ वी आर पेइंग राइट नाउ. और इधर ही हम लोग इंडिया का जो है हेल्थ चेकअप का वो हम लोग को अपलोड करना है. मॉलडिव का हो गया है पर अभी इंडिया का बाकी है. घर मतलब रूम में पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद फॉर द वन लास्ट टाइम वी आर इन आवर पूल क्योंकि वी आर गोइंग टू मिस द प्लेस. हम लोगों को इतना सुंदर नज़ारा कलकत्ता में देखने को नहीं मिलेगा. तो ऑब्वियसली 10 मिनट के लिए हम लोग पूल में आए हैं. उसके बाद हम लोगों को रेडी होना है, शावर लेना है और फिर हम लोग निकल जाएंगे इधर से. सी प्लेन आएगा, टाइम तो दिया गया है 1:45 बजे का. तो सी प्लेन आएगा, उसके बाद हम लोग माले एयरपोर्ट पहुंचेंगे. वहां से हम लोगों का फ्लाइट है 4:10 को, मतलब 4:10 पे इवनिंग पे हम लोगों का फ्लाइट है. तो हम लोग बेंगलोर पहुंचेंगे, बेंगलोर से हम लोग कलकत्ता जाएंगे. तो आई विल ऑल्सो टेल यू ऑल द डिटेल्स के क्या क्या ज़रूरी होता है. हाउ आर यू फीलिंग जॉय? But also we are a little upset because we are not able to see this and we are going to miss the place. So क्या कर सकते हैं. अच्छा वहाँ पर देखिए, वहाँ पर स्नॉकलिंग हो रहा है, देख सकते हो दो लोग स्नॉकलिंग कर रहे हैं. सो मुझे स्विमिंग नहीं आता है इसलिए हमने कुछ भी ट्राई नहीं किया. तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे आई एम श्योर कि हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे. सब कुछ पैक कर लिया है. बहुत ही मतलब अपसेट हो रही हूँ, खुश भी हो रही हूँ क्योंकि घर लौट रही हूँ. और अपसेट इसलिए हो रही हूँ क्योंकि इतना सुंदर जगह को छोड़ के हम लोग जा रहे हैं. पर इट्स ओके, आएंगे फिर और आप लोगों को दिखाएंगे कोई नया आइलैंड में. मे बी वी आर लीविंग मॉल्डिव्स द सिथानी एंड इट वॉज अ वेरी 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 सुपर ग्रेट experience and so you can see we're going to miss all these. Oh my god, it's so beautiful, right? Bye bye, bye. So our plane is also ready.
माले एयरपोर्ट में, और अभी हम लोग हैं माले एयरपोर्ट के फूड कोर्ट में, जहाँ पर हम लोगों को बहुत भूख लगा था तो हम दोनों ने ही कुछ ऑर्डर कर दिया है। हम लोग थाई फूड खा रहे हैं, जिसका बिल आया है $30.50 और एक फैंटा भी उसके साथ हम लोगों ने ऐड किया है, जिसका प्राइस है $2.50। तो हम लोग इधर था के फिर चेकिंग के लिए जाएंगे, जो 1:10 से शुरू हो गया, मतलब अभी शुरू हो गया, बट वी हैव टाइम। सो हम लोग थोड़ा खा के ही चलते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग जर्नी होने वाला है एंड वी आर नॉट श्योर कि क्या खाना मिलेगा बाद में। सो वी आर वेटिंग फॉर इट, वी आर वेटिंग फॉर द फूड, लेट्स सी। हम लोग का सिक्योरिटी चेक इन हो गया है, लगेज चेक इन भी हो गया है, बोर्डिंग पास भी मिल गया है। अभी हम लोग को एज़ यूजुअल भूख लगा है, सो वी आर सर्चिंग अ लाउंज ओवर हियर। अगर लाउंज मिल जाता है, मतलब मिल तो जाएगा ही, तो लाउंज में हम लोग खा लेंगे। और हाँ, ऊपर हम लोग को दिख गया है लाउंज, तो उस लाउंज में हम लोग खाएँगे। उसके बाद हम लोग का कोलकाता का फ्लाइट है 9:45 में। उसका खाना उतना अच्छा नहीं था, बकवास। तो क्रेडिट कार्ड है, सो यू कैन गो एंड यूज़ इट, अदरवाइज पैसा बर्बाद मत कीजिए। नॉर्मल यहाँ पर जो भी रेस्टोरेंट है वहाँ से आप खा लीजिए। तो हम लोग का गेट नंबर चेंज हो गया है, वो है 17, तो हम लोग गेट नंबर 17 की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग को वहीं से अपडेट मिला कि गेट नंबर हमारा 29 से चेंज करके 17 किया गया है, दैट आई कैन सी ऑल्सो। तो नाउ वी विल स्टार्ट बोर्डिंग आवर फ्लाइट, आई थिंक शुरू हो ही गया होगा। सो चलिए अभी डायरेक्टली मिलते हैं कोलकाता में। बाय बाय, एंड आई एम कमिंग टू द सिटी ऑफ जॉय विद जॉय। बाय। দাদা কোথায় যাচ্ছেন? কলকাতা। কেমন যাচ্ছেন? সিটি অফ জয় বলে। তো সিটি অফ জয়, তো আপনি কেন যাচ্ছেন? আমার তো শহর। ও, আপনার নাম কি? বললাম না। এই মায়ের নাম করলে তো হবে না দাদা, মুখটা একটু দেখান। কি হয়েছে আমার এখানে?